नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के बारे में, साथ ही साथ बीजेपी के बारे में कि क्यों बिहार में जो है किस तरह की स्थितियां बन रही है। लालू नीतीश को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है और बीजेपी को लेकर तो बात हो ही रही है। देश में आम चुनाव होने में अभी 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन पूरे देश में अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आ रहे बयान यह बताने लगे हैं कि उन्होंने अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है। हालांकि सवाल यह उठता है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। कई नाम भी सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के नाम सामने आए हैं। इन्हीं नामों में एक नाम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और वह नाम है नीतीश कुमार का। बता दें कि बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बिहार की सरकार चला रहे हैं। गठबंधन बदलने के दौरान ही इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि नीतीश कुमार अब केंद्र की सियासत में सक्रिय होने वाले हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने ट्विटर में यह भी लिखा कि देश को आपकी जरूरत है। देश में विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार चेहरा बनते हैं या फिर थर्ड फ्रंट बनता है, इन सभी बातों के लिए अभी समय है। इन्हीं सब बातों के बीच में एक बात की चर्चा तेज हो गई कि बिहार में लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए 40 में से 39 जीत कर आई थी, इस बार क्या होगा। बीजेपी की तरफ से बनी रणनीति में इस बार 35 का टारगेट रखा गया है, यानी कि बीजेपी को यह लगता है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से वोट बैंक में कमी आ सकती है, इसीलिए अभी से उन्होंने अपना लक्ष्य छोटा कर लिया है। अब बात कर लेते हैं वोट प्रतिशत की, क्योंकि बिहार में जो अभी की स्थिति है उसमें महागठबंधन साथ में लगभग 7 से 8 पार्टियां एक साथ है और बीजेपी अकेले है। ऐसे में वोट प्रतिशत को देखना काफी अहम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू अलग अलग चुनाव मैदान में थी। बीजेपी ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 22 पर जीत मिली। यह एक तरह से कह लें कि एक प्रचंड बहुमत था। जदयू के 38 उम्मीदवार मैदान में थे और उनमें उन्हें मात्र 2 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। इधर एनडीए के साथ चल रहे लोजपा को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला और मोदी लहर का फायदा इन्हें 6 में से 4 सीटें जीत के रूप में मिली। इस चुनाव में राजद को मात्र 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो बीजेपी के पास 29.38 तो जदयू के पास 15.78% वोट मिले, वहीं राजद के खाते में 20.10% वोट मिला। वहीं लोजपा की अगर हम बात कर लें तो 6.40% वोट उनको मिलता गया। अब हम बात कर लेते हैं 2019 लोकसभा चुनाव को। इस आम चुनाव में बीजेपी और जदयू दोनों एक साथ चुनाव मैदान में उतरी और इस बार दोनों के बीच में फार्मूला बना 50-50 का, यानी कि दोनों ही पार्टियों को 17-17 सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतरना था और 6 सीटें जो है वो लोजपा के खाते में गई। इस चुनाव में बीजेपी और लोजपा सभी सीटों पर जीतने में कामयाब रही, लेकिन जदयू को 1 सीट का नुकसान हुआ और वह 16 सीट जीतने में सफल हो सकी। इस लोकसभा चुनाव में वोट शेयर को अगर हम देख लें तो बीजेपी के पास 23.58% जबकि जदयू के पास 21.81%, तो वहीं एलजेपी के पास 7.86% रहा। राजद को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और मात्र 7.86% पर ही इनका कांटा आकर रुक गया। कांग्रेस के पास भी मात्र 7.70% वोट मिल पाया और पार्टी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। अगर हम 2014-2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो इसमें बीजेपी को भी एक तरह से कह लें कि वोट प्रतिशत के शेयर में नुकसान होता हुआ दिखा, लेकिन अगर हम बात कर लें सीटों के कन्वर्जन को लेकर तो उसमें उन्हें फायदा जरूर मिला। इन दोनों लोकसभा चुनाव के बीच में एक विधानसभा का चुनाव भी हुआ, जिसमें नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे। इस महागठबंधन ने पूरे चुनाव के दौरान 40% वोट अपने पास कर लिया। इस चुनाव में बीजेपी को लगभग 25% मत मिले, वहीं राजद को 18.5%, जदयू को 16.7% और कांग्रेस को 9.48% मत मिले। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से नई महागठबंधन की सरकार बनी है उसके लिहाज से अब यह कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर महागठबंधन का यह वोट प्रतिशत सीटों में बदल जाएगा तो फिर बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही वो कारण है कि बीजेपी अभी से अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में लालू यादव और नीतीश कुमार की टीम इस बात पर अपना ध्यान रखेगी कि चुनाव के दौरान मत प्रतिशत को किस तरह से सीटों में बदला जा सके और इसकी रणनीति जो है अभी से बननी शुरू हो गई है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।
धन्यवाद।